दोस्तों नर्मदेहर अभी हम खड़े हुए हैं बरमान घाट में, जो कि सद्धारा के नाम से यह घाट प्रसिद्ध है। और बरमान सागर से नरसिंहपुर रोड पर NH 26 पर है, जो कि सागर से दूरी 110 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकली हुई है वही है, और उन्हीं के नाम पर यह तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर नर्मदा नदी 7 धाराओं में बहती हैं, जो कि अभी हम आपके लिए वहाँ पे उस पुल से दिखाएंगे। यहाँ पर मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक मेला लगता है, और नर्मदा जयंती के दिवस पर भी बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, जिसमें यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वह नर्मदा जी की, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा भी करते हैं। दोस्तों माँ गंगा की तरह भी माता नर्मदा भी मोक्षदायिनी है, और यहाँ पर स्नान करने का अपना अलग ही महत्व है, और इसी वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ पर इतने सारे लोग स्नान भी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्नान करने के लिए राम घाट प्रसिद्ध है, और वहाँ पर अभी भी हम चले जाएँ तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हुए दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप नाम मात्र के देख रहे होंगे। और यह है सद्धारा घाट, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है यहाँ पर राम घाट। और रविवार को लोग सूरज कुंड भी जाते हैं, वहाँ भी स्नान करते हैं। और जैसे कि आज रविवार भी है तो हम लोग तो वहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी हम सद्धारा घाट पे ही हैं। बरमान का सबसे बड़ा घाट या मेन घाट, और जो सबसे जहाँ पर चौड़ा पार्ट बोलते हैं, ऐसे बताओ जरा, चौड़ा पार्ट मतलब जहाँ पर नर्मदा जी की सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, वो है राम घाट। दोस्तों ये वाला है जो ये पुराना सद्धारा का पुल है, और ये जो आपको ऊपर वहाँ पे ट्रक दिख रहा होगा वो नया 4 लाइन वाला पुल है। नर्मदा जी में नहाने से पहले दोस्तों भेंट चढ़ाते हैं, तो मैं नहाने से पहले भेंट चढ़ा रही हूँ, मैं पहले भेंट ले लूँ, है ना। तो दोस्तों भेंट मैंने ले ली है, और भेंट के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। देखो जैसे ये नर्मदा जी है और यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी है, तो आप इजीली ले सकते हो, है ना। तो अब मैं भेंट चढ़ा रही हूँ, नहाने से पहले भेंट चढ़ाते हैं। अब मैं ये चढ़ा रही हूँ, तो देखिए दोस्तों मेरी भेंट नर्मदा जी कितने दूर तक लेके जा रही है। वाह देखो कितने स्पीड से जा रहा है मेरे नारियल। तो मैं अब नहा लूं। तो ये हैं दीनदयाल जी, और ये नर्मदा जी में भेंट चढ़ा रहे हैं हम, उसके बाद में करेंगे स्नान। तो दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं सद्धारा के पुल पे, हमने आपको बताया था हम नीचे से ऊपर आएंगे, और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि नर्मदा जी की जो सप्तधारा कहलाती है वो कहीं कहीं कटी हुई है। जैसे कि आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ आपको दो जगह दिखेगा, एक इस साइड से जलाता हुआ, एक उस साइड से, और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कटा हुआ है। आप देख सकते हैं ये धाराएं अलग अलग है, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे कई जगह कटी हुई है, कहीं कहीं कम है। जैसे एक वो देख सकते हैं आप छोटी सी, जो कि हमारे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही है, तो आप जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे वो जरूर गिन सकते हैं। तो इस तरह से इनको सप्त धारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये पुराना वाला सप्त धारा का पुल है, और वो वाला है नया पुल, और ये आप पूरे में देख सकते हैं नर्मदा जी का व्यू इस तरह से। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपके लिए ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।